चलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं दैट इज बिजनेस इक्वेशन। एक हमने इक्वेशन देखी थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम दिया। एक और इक्वेशन हम देखने जा रहे हैं जिसको हम नाम दे देंगे बिजनेस इक्वेशन। इस इक्वेशन के बारे में समझते जरा कि ये है क्या हमारे पास। चले आए जरा इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग देखें। मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर एक कंपोनेंट होता है दैट इज ओनर्स इक्विटी। ऐसे ही यानी कि बैलेंस शीट के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ओनर्स इक्विटी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल भी बाज़ुकात कह सकते हैं। ऐसे ही इस ओनर्स इक्विटी के सेक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली होती क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा होता है ओपनिंग कैपिटल। ऐसे ही सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा होता है, ओपनिंग कैपिटल आ रहा होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा होता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो वो माइनस कर देंगे। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास जो आता है दैट इज ड्रॉइंग्स। ऐसे ही यानी कि इस ओनर्स इक्विटी के सेक्शन के अंदर नॉर्मली हमारे पास ये चार चीज आ रहती है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स, जिसको हम यहाँ पे लेस कर देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ओपनिंग कैपिटल अगर लेट्स से मेरे पास है 6 लाख रुपए, ठीक है, 6 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर लेट्स से 1 लाख और हमने मजीद इन्वेस्ट किया, इसका मतलब 6 लाख रुपए पहले से कैपिटल था, 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट किया, 7 लाख हो गए। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ने कुछ नेट प्रॉफिट अर्न किया, वो अगेन बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर दिया, दैट मीन्स 7,50,000 और लेट्स से 25,000 जो है वो कुछ अमाउंट रिड्यू कर ली फॉर पर्सनल यूज। ऐसे ही यानी कि मेरे पास जो नेट अमाउंट अब रह गई वो कितनी रह गई, दैट इज 7,25,000 की अमाउंट रह गई। ये क्या है सर, इसको कह सकता हूँ मैं क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे ही है ना, यानी कि ये मेरे पास क्या कहलाएगा, क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। यानी कि साल के शुरू में मेरे पास कैपिटल कितना था, 6 लाख, 1 लाख और इन्वेस्ट किया, 50,000 और री इन्वेस्ट किया यानी कि प्रॉफिट की शेप में, और इसी तरीके से 25,000 रिड्यू कर लिए, अब मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना रह गया, दैट इज 7,25,000। ये क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे ही चले इस वर्किंग को हम अभी होल्ड करते हैं और एक और चीज जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या है हमारे पास। लेट्स से कि मैंने एक कार परचेज की, ठीक है, अज्यूम करें ये कार है, ठीक है, आपको कुछ और भी लगेगा, किसी को जूता लग रहा होगा, किसी को क्या लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन अज्यूम करें कि कार मैंने परचेज की, ठीक है, ये कार मैंने परचेज की कितने की, फॉर 1,000,000 रुपीज की, ठीक है, 1,000,000 की मैंने ये कार परचेज की। अच्छा, अब जब मैंने कार परचेज की तो फौरन आप कहते हैं कि सर ये आपने परचेज किया है एक एसेट। ऐसे ही ना, यानी कि मेरे पास अगर एसेट की वर्थ देखो तो कितनी है, 1,000,000 की है। अच्छा, किसी एक प्रूडेंट पर्सन ने, एक समझदार आदमी ने मुझसे पूछा कि यार आपके पास एसेट तो 1,000,000 का है, ये बताएं कि इस एसेट की परचेजिंग आपने कैसे की। क्या मतलब, यानी कि पैसे कहाँ से आए, तो सर मुझे पता चला कि, यानी कि फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मैंने 3 लाख रुपए जो है वो बैंक से बोरो किए हैं और रिमेनिंग जो 7 लाख रुपीज हैं वो मैंने अपने पास से कंट्रीब्यूट किए। अब आप लोग बीइंग अ बिजनेस और अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, आप लोग फौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो 3 लाख रुपए बैंक से बोरो किए हैं ये क्या है, ये है बिजनेस की या मेरी लाइबिलिटी। ऐसे ही इसी तरीके से ये जो 7 लाख रुपए मैंने अपने पास से कंट्रीब्यूट किए हैं ये क्या है सर, ये है कैपिटल या इक्विटी। ऐसे ही ना, उसका मतलब ये है कि मेरे पास एसेट्स तो कितने हैं, 10 लाख रुपए के हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर एसेट्स तो 10 लाख रुपए के हैं, ये बताएं नेट कितने एसेट्स आपके पास, तो अब जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया नेट एसेट्स, तो आप लोग फौरन, यानी कि फौरन आप लोग की जबान पे एक अल्फाज आना चाहिए या फिगर आनी चाहिए कि सर अगर मैं नेट एसेट्स की बात कर रहा हूँ तो नेट एसेट्स 10 लाख रुपए नहीं है, नेट एसेट्स कितने मेरे पास, 7 लाख रुपए। ऐसे ही यानी कि फौरन आपने कैलकुलेट करके बताया मुझे कि नेट एसेट्स कितने हैं, 7 लाख रुपए। कैसे भाई, एसेट्स तो मेरे पास 10 लाख रुपए है, नो डाउट, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार ये बताओ नेट कितने एसेट्स है मेरे पास, मेरे पास नेट एसेट्स कितने हैं, 7 लाख। क्यों सर, जो 3 लाख रुपए के हैं वो उसपे मेरा राइट नहीं है। आप लोगों ने नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट किया, यानी कि जब आप लोगों ने नेट एसेट्स के अमाउंट को या फिगर को एक्सट्रैक्ट किया तो आप लोगों ने बैक एंड के ऊपर एक वर्किंग की है, वो क्या कि नेट एसेट्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए वो ऑल व्हाट यू डिड कि आपने जो टोटल एसेट्स थे जो कि 1,000,000 थे, ऐसे ही यानी कि जो टोटल एसेट्स थे दैट इज 1,000,000, उसमें से आपने क्या कर दिया, फॉरन लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। ऐसे ही है ना, तो आपके पास नेट एसेट्स की वैल्यू आ गई दैट इज 7 लाख। इसका मतलब ये है कि आपने नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, एसेट्स जो थे आपके पास उसमें से माइनस कर दी क्या लायबिलिटीज, तो ये आपके पास क्या आ गया, नेट एसेट्स आ गया। ऐसे ही क्योंकि आपने नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, आगे चलते हैं, एक और चीज थोड़ा सा समझते हैं। मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, अकाउंटिंग इक्वेशन थी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इफ आई से कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के अमाउंट को कैलकुलेट करें, तो हम इक्वेशन को कैपिटल के लिए अरेंज करेंगे किस तरीके से, लायबिलिटीज इधर प्लस हो रही है उधर क्या हो जाएंगे माइनस,
इसका मतलब ये कि कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एक अजीब चीज हमारे सामने आ चुकी है यहाँ पे, क्या कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास यहाँ पर नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसी तरीके से कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एक बात पता चल रही है क्या, कि आप नेट एसेट्स कह लें या कैपिटल कह लें, कैपिटल कह लें या फिर नेट एसेट्स कह लें, बोथ आर सेम और होनी भी चाहिए। क्यों, कैपिटल किसको कहते हैं, मेरा कितना पैसा है। नेट एसेट्स किसको कहते हैं, कि टोटल एसेट्स में मेरा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही ना, क्योंकि मेरे पास 10 लाख रुपए के एसेट्स थे तो सही, लेकिन इस पे पूरा मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 7 लाख। तो ये मेरे क्या, नेट एसेट्स। तो एक बात हमने कंक्लूड कर ली, नेट एसेट्स एंड कैपिटल बोथ आर सेम, एक ही चीज के दो नाम है। सर ये क्यों आपने इतना सारा यहाँ पे ब्रीफ किया, अब आए जरा देखते हैं इसके अंदर। हम यहाँ पे करने ये जा रहे हैं कि जहां जहां ओपनिंग कैपिटल का वर्ड यूज किया गया, हम उसको बेसिकली नेट एसेट से रिप्लेस कर देंगे। ऐसे ही ना, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ ये ओपनिंग कैपिटल है, तो उसको क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ओपनिंग नेट एसेट्स है। ऐसे ही ना, इसी तरीके से एडिशनल इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, और ये जहाँ क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये क्लोजिंग नेट एसेट्स है, क्लोजिंग नेट एसेट्स है। ऐसे ही चले, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने कैपिटल के टर्म को किससे रिप्लेस कर दिया, नेट एसेट से। क्यों किया, अब आया जरा देखते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। सर क्लोजिंग नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए, क्लोजिंग नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, अगर आपने इस फिगर को कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा सर, मुझे ओपनिंग नेट एसेट्स, ये रहा ऐसे ही ओपनिंग नेट एसेट। अब देखिएगा जरा, क्लोजिंग नेट एसेट्स की फिगर को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग नेट एसेट्स क्या करेंगे, प्लस इसके अंदर प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर दूं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देते हैं, और क्या करो प्लस कर दें, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को हमने प्लस कर दिया, और क्या करें माइनस कर दें ड्रॉइंग्स को, तो माइनस कर दें ड्रॉइंग्स को। अब मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन सामने आ रही है, और ये इक्वेशन जो आपके पास कहलाती है, दैट इज नोन एज व्हाट, बिजनेस इक्वेशन। यही हमारा टॉपिक है, इस इक्वेशन को नॉर्मली हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं बिजनेस इक्वेशन। बिजनेस इक्वेशन क्या, बेसिकली इक्वेशन था, उसको हमने नाम देना था, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, बिजनेस इक्वेशन। तो दो तरह की इक्वेशन आपके कोर्स में, एक अकाउंटिंग और एक बिजनेस इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ड्राइव फ्रॉम द बैलेंस शीट, जबकि बिजनेस इक्वेशन इज ड्राइव फ्रॉम द वन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एक एक्सट्रैक्ट से हमने ड्राइव किया। देखिए ऐसे ही इक्विटी के पोर्शन को यूज करते हुए हमने क्या किया, मैंने कोई नया काम नहीं किया, जो इक्विटी में हम काम करते हुए आ रहे थे ऑलरेडी, उसी काम को मैंने इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ तक समझ आ रही इसके अंदर, तो ये हमारे पास यहाँ पर होगा। खैर अब करना क्या होगा, ये सर करना कुछ ये होगा कि एग्जाम के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी। क्या मतलब, या तो एग्जामिनर मुझसे कहेगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, तो मुझे नेट प्रॉफिट के अमाउंट को कैलकुलेट करना होगा। अगर बाकी चीजें दे दी जाए तो क्या मैं नेट प्रॉफिट के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस सर बिल्कुल बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ क्या, अगर एग्जामिनर जो है वो आपके साथ मिसबिहेव करे, बदतमीजी पे आ जाए, क्या मतलब नेट प्रॉफिट के अमाउंट नहीं दे रहा, क्लोजिंग नेट एसेट के अमाउंट भी नहीं दे रहा, और ओपनिंग नेट एसेट के अमाउंट भी नहीं दे रहा, यानी कि एक इक्वेशन तीन मिसिंग वेरिएबल्स, तो क्या अब हमारे लिए इस इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन से क्या मैं तीन फिगर्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ, आंसर इज नो। अब क्या करेंगे तो सर, अब उसके लिए हमारे पास एक दूसरा टूल है, यानी कि क्लोजिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट करने का एक और भी फॉर्मूला है। कैसे देखते हैं जरा, मुझे पता है नेट एसेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नेट एसेट इज इक्वल टू व्हाट, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ऐसा ही है, अगर मुझे क्लोजिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट करना है, तो क्लोजिंग नेट एसेट्स का मतलब क्या है, साल के आखिर के नेट एसेट्स। तो क्लोजिंग नेट एसेट इज इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। यानी कि अगर मुझे क्लोजिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, साल के आखिर के एसेट्स माइनस साल के आखिर की लायबिलिटीज, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये क्लोजिंग नेट एसेट्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे ओपनिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट करना है, तो ओपनिंग नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने का भी मेरे पास तरीका हो सकता है। कैसे भाई, जैसे मैंने क्लोजिंग कैलकुलेट किए, तो ओपनिंग नेट एसेट्स यानी कि ओपनिंग साल के शुरू के कैलकुलेट करने हैं, तो भाई क्या करो, साल के शुरू के एसेट्स लेकर आओ, उसमें से साल के शुरू की लायबिलिटीज को माइनस कर दो, तो ओपनिंग लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसका मतलब ये कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नेट एसेट्स गिवन नहीं है, तो मैं उसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। याद है क्लियर इसके अंदर। तो अब एग्जामिनर हो सकता है कि तीनों चीजें मिसिंग कर दे, ओपनिंग नेट एसेट्स भी ना दे, क्लोजिंग नेट एसेट्स भी ना दे, और इसी तरीके से नेट प्रॉफिट को भी मिसिंग कर दे, तो मैं बिल्कुल इन इक्वेशंस को यूज करते हुए मैं अपने पास यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कुछ आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आ रही है। चले अब हम इसकी रेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, फिर देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है।